मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानप्रिया। देश में करोड़पति सांसदों की लिस्ट दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है। एडीआर की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा 521 सांसदों में से 430 सांसद करोड़पति हैं। अगर सभी पार्टी की बात करें तो इस लिस्ट में भाजपा सबसे आगे है। भाजपा के 267 सांसदों में से 227 सांसद यानी 85% करोड़पति हैं, जबकि कांग्रेस के 45 सांसदों में से 29 सांसद करोड़पति हैं। लोकसभा के अनुसार मौजूदा 521 सांसदों में 83.3 करोड़पति हैं, जबकि 33% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में लड़ने के लिए पार्टियां वैसे उम्मीदवारों को चुनने की प्रवृत्ति बढ़ रही है जो अपने चुनाव का खर्च खुद ही उठा सकते हैं। सांसदों को देश के प्रतिनिधि माना जाता है, ऐसे में भारत की संपन्नता को जानने के लिए अपने अति संपन्न विधायकों सांसदों से बेहतर सबूत और क्या हो सकता है। करोड़पति सांसद होने से अपने फायदे हैं, अपने सांसदों की अमीरी को देखकर महत्वाकांक्षी आम आदमी प्रेरित होगा, ये सांसद उनका आदर्श बनेंगे। अब वो यहाँ तक कैसे पहुँचे ये विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वे यहाँ पहुँच गए हैं। वे राजनीति को फिर से बदलने में भी मदद करते हैं, क्योंकि उम्मीदवार के रूप में उनके पास खर्च करने के लिए अपना पैसा होता है। इसलिए अब उनकी पार्टियों को रैलियों, प्रचार और कभी कभी शराब बांटने और मतदाताओं को खरीदने के लिए तिकड़म लगाने और पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। पार्टी वाइज करोड़पति सांसदों की लिस्ट कुछ इस तरह से है। तेलुगु देशम पार्टी TDP 100%, शिरोमणि अकाली दल 100%, YSRCP 100%, राष्ट्रीय जनता दल RJD 100%, जनता दल सेक्युलर JDS 100%, जनता दल यूनाइटेड JDU 100%, शिवसेना 94%, TRS 90%, NCP 86%, समाजवादी पार्टी 86%, भाजपा 85%, लोक जनशक्ति पार्टी 83%, कांग्रेस 82%, AIADMK 78%, आप पार्टी 75%, BJD 72%, AIUDF 67%, IND 67%, JMM 50%, CPIM 33%। कुछ नया करना नेताओं की आदत बन गई है। इसी प्रकार आज देश में नेता अपनी पुरानी पार्टी से बगावत कर अन्य पार्टी से टिकट लेकर उनके समर्थन में चुनाव प्रचार करने का डंका पीट रहे हैं। वास्तव में हमारे लोकतंत्र को चलाने वाली उस सत्ता कि लोलुप मानसिकता को दिखाता है जो सत्ता सुख भोगने के लिए किसी भी सीमा तक गिरने को तैयार है। प्यार और युद्ध में सब जायज है का नारा उछलती हुई नेतृत्व ये मूल्य विहीन छवि अपने सिवाय किसी का भला नहीं कर सकती। जो अपने दल का नहीं होगा वो देश और समाज का क्या होगा, ऐसा नेतृत्व जनता पर क्या प्रभाव डालेगा ये विचारणीय है। सदन में सत्ता पक्ष और मजबूत विपक्ष दोनों का होना आवश्यक है, किंतु हमारे देश में सबके सब सत्ता हथियाने की होड़ में ही लगे रहते हैं। सबको सत्ता पक्ष वाली ही कुर्सी चाहिए, विपक्ष में बैठने को कोई तैयार नहीं दिखता। आखिर क्यों, इस पर विचार होना चाहिए। ये कड़वा सच है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की आड़ लेकर सामंती मानसिकता ने गहरे जड़े जमाई है। गरीब जनता के धन पर वैभव विलास की जिंदगी जीना, विदेश यात्राएं करना, बिना काम किए ही वेतन भत्ते पा जाना, पेंशन लेना और अपने परिवार तथा अपनी पसंद के लोगों को लाभान्वित करना हमारे लोकतंत्र से बहुत से तथा कथित सेवकों का स्वभाव रहा है और इन्हीं दुराभिलाषाओं की पूर्ति के लिए सत्ता तक पहुंचना उनकी मजबूरी है। इसी के लिए वे तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और दल बदलते हैं। लोकतंत्र की शुचिता और गुणात्मकता बनाए रखने के लिए अभी आवश्यक हो गया है कि राजनीतिक दलों में टिकट वितरण के लिए भी कुछ नियम, नीति निर्देशक सिद्धांत वैधानिक स्तर पर निर्धारित किए जाएं एवं उनका पालन सुनिश्चित हो, अन्यथा सत्ता के लिए निष्ठा बेचने का ये खेल लोकतंत्र के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। अभी समय है लोकतंत्र के संविधान को चेंज करने का, यदि अभी नहीं तो कभी नहीं। जागो जनता जागो। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।